रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई जान, काफ़ी दोस्त एक बात को लेकर परेशान होते हैं कि सोलर पैनल हम कौन सा ख़रीदें, किस कंपनी का, और एफिशिएंसी किस कंपनी की अच्छी है। फिर वैसे बात करने जा रहा हूँ, काफ़ी दोस्त जब मार्केट में जाते हैं तो हर वो दुकानदार जिसके पास जिस कंपनी का सोलर पैनल पड़ा होता है वो यही कहता है कि हमारी कंपनी का सोलर पैनल बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये कुछ सीन ऐसा ही हुआ है कि एक क्लाइंट मेरे साथ गया है जी कल मार्केट के अंदर, तो हर बंदे ने जिसके पास जिनको के पड़े थे उसने कहा जी जिनको का रिजल्ट अच्छा है, तो जिसने कहा जी लॉन्जी का ले लें जी, लॉन्जी का ठीक है जी, कोई जे सोलर पैनल की तारीफ़ कर रहा है, और कोई कह रहा है जी लॉन्जी बहुत अच्छा है, और किसी ने कहा जी लॉन्जी जो है ना वो बिल्कुल बेकार चीज़ है, उसकी वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। ये है बातें सामने आती हैं तो कस्टमर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है। उसको ये होता है कि यार कोई बंदा जो सीधी बात नहीं कर रहा है। हम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करते रहते हैं, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोलर पैनल जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किए हुए हैं, बाकायदा टेस्ट करके उनके वाट टेस्ट किए हैं भी किस सोलर पैनल के वाट अच्छे हैं। तो यही आज की वीडियो के अंदर जानना है कि आपको बताना है भी कौन सा सोलर पैनल जो है। आप गौर करें तो मैंने दो सोलर पैनल लॉन्जी के लगाए हुए हैं, ठीक है, उधर आप देखेंगे वो मैं जूम करके दिखाऊं तो दो सोलर पैनल जिनको के लगे हुए, ठीक है, ये पैनल डबल ग्लास ए ग्रेड जिनको का है, ठीक है, जिनको का डबल ग्लास पैनल है वो ए ग्रेड के अंदर, ठीक है, बिल्कुल हैवी उसका रिजल्ट है, जितने भी सोलर पैनल है उससे ज़्यादा उसका रिजल्ट है। तो ये हमें इसकी एफिशिएंसी इसके वाट से भी ज़्यादा हमें मिली है। उसके बाद लॉन्जी का है तो लॉन्जी भी तकरीबन ठीक है, उसकी एवरेज भी अच्छी है, तो जे ए सोलर पैनल जो है वो भी बेहतरीन है। अब सबसे पहले अगर मैं नाम दूँ ना आपको भी किस कंपनी का आपको सोलर पैनल लेना चाहिए और डबल ग्लास में लेना चाहिए या सिंगल में खरीदेंगे, तो आप जिनको का ही डबल ग्लास लेंगे पैनल, 585 में ले लें वो भी ठीक है। अगर आप किसी भी वाट में लेते हैं 550 वाट में लेते हैं, 585 का कोशिश किया करें, क्योंकि आजकल वैसे भी कीमतें इतनी हैं कि हर बंदा अफोर्डेबल कर सके। तजर्बे की बात की है और काफ़ी लोग मुझे भी कुछ राय देंगे कि यार आपने ये नहीं करना था, वो ये नहीं है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन मैंने अपने तजर्बे के मुताबिक आपको ये बात बताई है कि हमारा सारा दिन यही काम होता है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करना, और वीडियोज़ मैं जो है वो काफ़ी लेट बनाता हूँ, कोई मौका मिल जाता है तो वीडियो बन जाती है, नहीं तो काम में मसरूफ है ना सोलर पैनल से। वो भाई जान है आप जिनको का एंड डबल ग्लास पैनल जो है ना वो लगा लें, कोशिश किया करें एन टाइप आप पैनल लें, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, ठीक है। और अभी जैसे देखें कि धूप जो है इस वक्त तो 3-4 बजे का टाइम हो रहा है, और माशाल्लाह से लॉन्जी के जो पैनल हैं वो भी अच्छे जो हैं वर्क कर रहे हैं, उसके बाद जिनको के भी सही वर्क करते हैं। तो मैंने अभी इंस्टॉलेशन की है जी, 18 पैनल लगाए हैं। यही देना है कि आप जिनको का एन डबल ग्लास जो पैनल है बोलें, और लाजमी से आप इसको स्कैन कर लिया करें, उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक किया करें सीरियल नंबर के ए ग्रेड है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि लोग जो है ना वो बार कोड जो है लगाकर बेच रहे हैं, वो दुकानदार भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ्रॉड कर रहे हैं। तो एहतियात करें अपनी चीज़ें लेने से पहले जो है ना उसको लाजमी से। तो आज का सवाल का मैंने जवाब दिया, इंशाल्लाह हो सका तो मैं ना शाम को लाइव आऊँगा। तो कुछ भाइयों के कमेंट है जिस पर मैं जवाब नहीं दे सका, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह लाइव करूंगा, और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के जो कमेंट हैं उनके मैं जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।